हाय वीवर, मैं मुनेसा। हमारे यूट्यूब चैनल एक्सेल बाय किम्स में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2013 के बारे में कुछ मालूम सीखेंगे और एमएस वर्ड 2013 को किस तरह ओपन किया जाता है ये सीखेंगे। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे नए आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। किसी स्कूल के बच्चे को टाइपिंग सीखना हो या फिर कोई रिपोर्ट तैयार करनी हो या फिर किसी बूढ़े आदमी को किताब लिखनी हो या फिर उसके बच्चे को लेटर लिखना हो तो ये सारे काम हम एमएस वर्ड में कर सकते हैं। एमएस वर्ड के कई सारे वर्जन्स पहले आ चुके हैं, जैसे एमएस वर्ड 2007, एमएस वर्ड 2010, एमएस वर्ड 2013 और एमएस वर्ड 2016। और हर नए वर्जन्स में कुछ ना कुछ नए फीचर्स होते हैं। चलिए सीखते हैं एमएस वर्ड को किस तरह ओपन करते हैं। इसके लिए आप विंडोज़ बटन या स्टार्ट बटन पर क्लिक करें और इसके बाद यहाँ पर आप क्लिक करें ऑल प्रोग्राम्स पर। इसके बाद यहाँ पर आपको क्लिक करना है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2013 पर। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको दिखाई देगा वर्ड 2013, इस पर क्लिक करेंगे। ये देखिए, मैं इस पर क्लिक, यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पे आपको वो डॉक्यूमेंट्स दिखाई देंगे जिस पर आपने पहले काम किया है और यहाँ पर साइड में आपको बहुत सारे टेम्पलेट्स दिखाई देंगे, जैसे ब्लू ग्रे रिज्यूम, स्नैपशॉट, कैलेंडर। यहाँ से हम किसी एक टेम्पलेट पर सिलेक्ट कर लेते हैं टेम्पलेट, जैसे यहाँ से हम सिलेक्ट करते हैं वेलकम टू वर्ड, ये वाले टेम्पलेट पर हमने क्लिक किया तो देखिए ये टेम्पलेट ओपन हो गया है। यहाँ पर अभी हमें इसमें कोई काम नहीं करना है, इसीलिए हम इसको क्लोज कर देंगे। ये हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करने का पहला तरीका देखा है। अब हम दूसरा तरीका देखते हैं। इसके लिए हम विंडो या स्टार बटन पर क्लिक करेंगे और यहाँ सर्च बॉक्स में सर्च करेंगे वर्ड 2013। यहाँ पर हमने टाइप किया वर्ड तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा वर्ड 2013, इस पर क्लिक कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर वर्ड 2013 ओपन हो गया। यहाँ से हम ब्लैंक डॉक्यूमेंट पर क्लिक कर देंगे, ये क्लिक किया तो ये ओपन हो गया है। यहाँ पर स्क्रीन पे सबसे ऊपर आपको दिखाई देगा टाइटल बार। टाइटल बार यानी हम इस डॉक्यूमेंट को जिस भी नाम से सेव करेंगे तो वो यहाँ पर आपको दिखाई देगा। इसके यहाँ बाद यहाँ पर आपको साइड में दिखाई देगा क्विक एक्सेस टूल बार, इसमें है सेव, अनडू, रीडू और अगर आपको इसमें कोई और ऑप्शन ऐड करना है तो आप कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार पर क्लिक करें। यहाँ से आप कोई भी ऑप्शन को ऐड कर सकते हैं या फिर हटाना है तो हटा भी सकते हैं। इसके बाद यहाँ नीचे आपको रिबन में बहुत सारे टैब्स दिखाई देंगे, जैसे फाइल, होम, इंसर्ट, इसी तरह बाकी के। बाय डिफ़ॉल्ट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करने पर यहाँ पर होम टैब ओपन रहता है, सिलेक्टेड रहता है। इसी तरह हर टैब्स में आपको उनके ब्लॉक्स और ऑप्शंस दिखाई देंगे, जैसे होम टैब में है क्लिपबोर्ड, फाउंड और पैराग्राफ। इसी तरह इंसर्ट टैब में भी है, यहाँ इंसर्ट टैब में आपको दिखाई देंगे पेजेस, टेबल्स, ये ब्लॉक्स हैं और उनके ऑप्शंस। इसके बाद यहाँ राइट एंड हाइट पे, यहाँ पर राइट साइड पे आपको एक ऑप्शन मिलता है रिबन डिस्प्ले, इसकी मदद से आप टैब्स और कमांड को हाइड या अनहाइड कर सकते हैं। ये इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन दिखाई देगा ऑटो हाइड रिबन, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से सारे टैब्स हाइड हो गए हैं, आप देख सकते हैं उनके कमांड्स भी हाइड हो गए। इसके बाद वापस से इस रिबन डिस्प्ले पर इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई देगा शो टैब्स, इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर टैब्स दिखाई देंगे। फिर टैब्स पर क्लिक करेंगे तो आपको उनके कमांड्स दिखाई देंगे। इसके बाद फिर हम यहाँ डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे तो ये कमांड्स हाइड हो जाएंगी, ये देखिए। इसके बाद वापस हम इस ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर आपको लास्ट ऑप्शन दिखाई देगा शो टैब्स एंड कमांड्स, तो यहाँ पर टैब और कमांड आपको दोनों दिखाई देंगे। इसके बाद यहाँ पर तीन ऑप्शन और दिखाई देंगे, पहला मिनिमाइज, दूसरा रिस्टोर और थर्ड है क्लोज का। इन ऑप्शन का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं।
इसके बाद यहाँ पर आपको दिखाई देगा वर्टिकल स्क्रोल बार, इसकी मदद से आप अपने पेज की सेटअप कर सकते हैं ऊपर या नीचे। इसके बाद यहाँ नीचे आपको दिखाई देगा स्टेटस बार, स्टेटस बार में आपको ये दिखाता है कि यहाँ पर कितने पेजेस है। यहाँ पर हमारा एक ही पेज है इसलिए 1 of 1 दिखाई दे रहा है। इसके बाद यहाँ पर ये वर्ड्स बताता है कि यहाँ पर हमने कितने वर्ड्स टाइप किए। यहाँ पर हमने 2 वर्ड्स टाइप किए तो यहाँ पर 2 वर्ड्स लिखकर आ गया है, आप देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको पेज को देखने के लिए अलग अलग लेआउट्स दिखाई देंगे जिसको हम बाद में देखेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखाई देगा जूम का, इसकी मदद से आप अपने पेज का साइज बड़ा या छोटा कर सकते हैं। ये देखिए, तो ये था वर्ड का बेसिक इंट्रोडक्शन। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।